हेलो गाइस, आज मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से देश और विदेश से रिलेटेड कुछ रोचक चीज़ें बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले हम जापान देश के बारे में बात करते हैं। यह देश राष्ट्रगान आरंभ करने वाला प्रथम देश है और यह देश एक विकसित देश है और इस देश को हम सब बुलेट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलती है। और यह देश का संबंध भारत से भी बहुत ही अच्छा है तथा चारों तरफ यह एक समुद्र से घिरा हुआ देश है। अब हम बात करते हैं आयशा अजीज के बारे में। यह भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट हैं और यह कश्मीर से पहली भारतीय पायलट भी हैं। आयशा को उम्र 16 में 2011 में बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से लाइसेंस मिला था, तब से रेगुलर भारत की पायलट के रूप में सेवा जारी है। और यह रूस के सोकोल के एयरबेस में MiG-29 उड़ाने की ट्रेनिंग ले रही थी और यह सभी कश्मीर महिलाओं की प्रेरणा स्रोत हैं। अब बात करते हैं ताजमहल की। ताजमहल को बनाने में 22 साल लग गया था। इसका निर्माण 1630 में शुरू हुआ था। इसे बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने काम किया था। ताजमहल की सालाना कमाई लगभग 25 करोड़ है। ये बहुत ही सुंदर महल है जिसे देखने के लिए देश और विदेशों से पर्यटक भारत में आते हैं। अब हम बात करते हैं एप्पल ब्रांड कंपनी के बारे में। एप्पल कंपनी में काम करने वाला हर चौथा इंजीनियर एक भारतीय है और यह टेक कंपनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और इसके सीईओ टिम कुक हैं। अब हम बात करते हैं मेघालय की अमंगोत नदी के बारे में। मेघालय की अमंगोत नदी को भारत की सबसे साफ नदी माना जाता है। यह नदी दावकी के नाम से भी प्रसिद्ध है और यह भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहती है और इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के गांव के रहने वाले लोग कितने साक्षर हैं, क्योंकि इस नदी को स्वच्छ बनाए रखने में इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी या भूमिका है, क्योंकि एक कांच के समान पूरा नीचे सब चीज़ दिखाई देता है और यहाँ भारत और विदेश से यहाँ पर्यटक रेगुलर आते हैं। अब हम बात करते हैं सरला चौधरी के बारे में। ये वही सरला चौधरी हैं जिन्हें आप अपने रेलवे के सफ़र में डेली सुनते हैं। रेलवे स्टेशन पर सुनाई देने वाली आवाज़, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यह सरला चौधरी की है। पहले के दौर में जब कंप्यूटर नहीं होता था तो मैन्युअली माइक से डेली बोला जाता था, लेकिन आज अब इनकी रिकॉर्डिंग वॉइस को चलाया जाता है भारत के सभी रेलवे स्टेशनों पर। जी हाँ गाइस, और ये है इस वीडियो की सबसे लास्ट इन्फॉर्मेशन जो है जसलीन भल्लर के बारे में। यह एक भारतीय महिला हैं जिनकी आवाज़ आप डेली जब से कोरोना वायरस आया है तब से सुनते आ रहे हैं। जब भी आप किसी को फ़ोन करते हैं तो कोरोना के टॉलर के रूप में आवाज़ जसलीन भल्लर की आती है और आजकल इसमें अमिताभ बच्चन की भी आवाज़ आपको सुनने को मिलता है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए सभी रोचक फैक्ट आपको पसंद आया होगा और यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वन टेक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना सहयोग बनाए रखें।